जय श्री कृष्णा दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल सृष्टि ज्ञान में आप सबका स्वागत है। आज का जो विषय है वो शिवलिंग से संबंधित विषय है। जो शिवलिंग होता है, यदि उसके नियम नहीं अपनाए जाते तो उसका दोष लगता है फल मिलने की बजाय। अब शिवलिंग के नियम क्या हैं और भगवान शिव की जो पूजा होती है वो शिवलिंग की पूजा के बिना अधूरी है। यदि आप घर में शिवलिंग रखते हैं तो धातु का आप शिवलिंग रखिए, पारे का शिवलिंग, पारद शिवलिंग जिसको बोलते हैं, बहुत शुभ होता है, एक अंगूठे के बराबर आप रख सकते हैं। पत्थर का भी आप या मिट्टी का आप रखते हैं तो एक अंगूठे के बराबर रखिए। शिवलिंग को तुलसी जी के पौधे के नीचे ना रखें। शिवलिंग के पास शंख ना रखें, क्योंकि भगवान शिव ने शंखचूड़ नामक असुर का वध किया था। उस समय उन्होंने ये कहा था कि शंख और तुलसी मेरे मंदिर में या शिवलिंग के आसपास नहीं रहेगी, इसलिए तुलसा जी शिव मंदिर में, गणेश मंदिर में नहीं मिलती। तो आप भी ध्यान रखिएगा, शिवलिंग पारे का हो बहुत शुभ रहता है, आप घर के मंदिर में भी उसको रख सकते हैं। पंचाभिषेक आप करवा सकते हैं सोमवार के दिन, सावन में, पूर्णिमा अमावस्या के दिन। यदि आप मंदिर में पंचाभिषेक करते हैं तो नियम कायदे से कीजिएगा, क्रमानुसार करिएगा, और पंचाभिषेक होने के बाद शुद्ध जल से शिवलिंग को, शिवलिंग के आसपास सफाई अवश्य करिएगा। अधिकतर होता है कि हम सफाई करना छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं और वो दोष लगता है। जल अभिषेक करते समय, पंचाभिषेक करते समय नमः शिवाय पंचाक्षर जो मंत्र है वो अद्भुत प्रतिभाशाली है, बहुत कुछ आपको इसके जाप से मिल जाएगा। यदि आप जल चढ़ाते वक्त, पंचाभिषेक करते वक्त नमः शिवाय का जप करते हैं तो आपको इसका करोड़ों गुना फल मिलता है बजाय ओम नमः शिवाय मंत्र के। शिवलिंग की जो नेति है वो उत्तर दिशा की तरफ होनी चाहिए, शिवलिंग की पूरी परिक्रमा नहीं करनी चाहिए। शिवलिंग के ऊपर कुमकुम, रोली, सिंदूर अर्थात माता जी की जो श्रृंगार सामग्री है नहीं चढ़ानी चाहिए, इसका अशुभ फल मिलता है। तांबे के पात्र में सिर्फ शुद्ध जल चढ़ाया जाता है, दूध के लिए आप स्टील, कांच, चांदी के बर्तन में ले जा सकते हैं। शिवलिंग के ऊपर काले तिल, चावल या जो भी आप चढ़ाते हैं सीधे शिवलिंग के ऊपर नहीं रखना चाहिए। शिवलिंग को दिखाते हुए, श्रद्धा भाव रखते हुए कि भगवान ने स्वीकार कर लिया है, उसको आप दूसरी तरफ रख दीजिएगा, शिवलिंग के ऊपर ना रखें। और सूखे तिल, चावल, अनाज कोई भी सूखे नहीं चढ़ाए जाते शिवलिंग के ऊपर। एक पात्र में लेकर थोड़ा गीला कर लीजिएगा, फिर उसको आप दिखाइएगा और साइड में रख दीजिएगा। शिवलिंग पे चढ़ा हुआ अन्न,
ग्रहण नहीं किया जाता, अतः ग्रहण ना करें। भगवान शिव को कभी भी अग्नि में भोग नहीं दिया जाता, इनको शुद्ध सात्विक भोजन मानसिक रूप से दिया जाता है शिवलिंग के सम्मुख। शिवलिंग के सम्मुख मिथ्या भाषण ना करें, झूठ ना बोलें, क्रोध करना, काम वासना, हस्त मैथुन आदि ना करें। शिवलिंग को डायरेक्ट जमीन पर ना रखें, क्योंकि ऐसा देवी भागवत महापुराण में माता पृथ्वी ने भगवान शिव को बताया था कि आपका भार, आपका वाहन जो भार है वो मैं सहन नहीं कर सकती। शिवलिंग पर चढ़े हुए पुष्प माला को आप ना लांगे, ना दबाएं, इसको आप किसी भी खड्डे के अंदर दबा सकते हैं, इससे अद्भुत फायदा आपको मिलेगा। साफ सफाई का ज़्यादा ध्यान रखें। आगे आने वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे राहु से, शनि से मुक्ति पाई जाए। भगवान शिव दिला देंगे आपको शारीरिक और मानसिक पीड़ा, क्योंकि शनि राहु दोनों के ये गुरु हैं। भगवान शिव की राक्षसों ने और देवताओं ने पूजा की है, वो मिलेगा आपको आने वाले वीडियो में। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। फिर मिलेंगे। जय श्री कृष्णा, श्री राधे।